हंग असेंबली के अभिशाप से कर्नाटक इस बार मुक्त होगा? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस जीत हासिल कर एक नया संदेश देश के संदर्भ में और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे पाने में कामयाब रहेगी? तीनों के जवाब के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। रुझान आ रहे हैं, रुझान ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाए रखना बड़ा मुश्किल जा रहा है। रुझान आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शायद इस बार हंग असेंबली के अभिशाप से कर्नाटक मुक्त रहेगा। रुझान आ रहे हैं और संदेश मिल रहा है कि कांग्रेस इस राज्य को जीतने जा रही है और इस राज्य की जीत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम लोगों को उत्साहित करने वाली है। ताजा तरीन रुझानों दो किस्म के, एक जो तमाम चैनलों पर रुझान है उस रुझान के अंतर्गत 224 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 118 सीटों पर अभी कांग्रेस पार्टी आगे है, वहीं उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी महज 75 सीटों पर आगे है। जनता दल के संदर्भ में वो कुल 25 सीटों पर आगे है और अन्य 6 सीटों पर आगे है। वहीं इसके उलट अगर हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं और उसके द्वारा जो अधिकारते हैं कि 82 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे है और उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों पर आगे है। साफ दिख रहा है कि दो बनाम एक का रिशो चल रहा है। कुल मिलाकर अगर 3 सीटों के रुझान है तो उनमें 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। इस रुझान के बीच में हमारे साथ समीक्षा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी। हमारे साथ कांग्रेस का एक समय बड़ा मीडिया चेहरा रहे पर वर्तमान में सत्ता का हिस्सा बन चुके हैं, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी साथ बैठे हुए हैं और इन दोनों के बीच में देश के बेहद अनुभवी पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है और सबसे पहली प्रतिक्रिया माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी से लेते हैं। क्या हो गया पांडे जी, इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतने प्रयास, इतने प्रयोग, इतनी कोशिश के बावजूद भी कर्नाटक की जनता पसीजी नहीं, ऐसा लग रहा है? आपको भी ऐसा लग रहा है कि अभी आप और इंतजार करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के और हमारा नेतृत्व और वहां का पूरा कार्यकर्ता जी काम करते रहा है जी। परिणाम जो आएगा, अब आज तो परिणाम आ ही रहा है जी, लेकिन मुझको लगता है कि वहां पर भाजपा का जो आप बता रहे हैं उसमें एक और अभी चैनल कोई बता रहा था कि भाई भाजपा 80 सीटों पे रुझान है उसका आगे जी, तो पहले 75 था वो 80 की ओर बढ़ रहा, तो अभी ये बहुत प्रारंभिक होता है जी। पहला जो है, पहला या एक या दो ईवीएम जो है खुले रहते हैं जी, और जितने अभी जो ट्रेंड के हिसाब से आप अभी बता सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार कीजिए। और मुझको लगता है कि 100 के आसपास तो भाजपा को जाना चाहिए जी। तो प्रेमिका जी, आप इसको लेकर निराश नहीं है? 5 साल सत्ता में रहे, नरेंद्र मोदी जैसी कद्दावर शख्सियत ने इतना पसीना बहाया कर्नाटक में कि ऐसा लगा कि गुजरात में ही चुनाव है मानो। इसके बावजूद भी आंकड़ा चाहिए था 113 का और आप जैसा पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और नेता भी बस 100 तक की उम्मीद पर ही ठिटक गया। इस बेबसी को कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कोई पार्टी के उस आधार पे भी जो सच्चाई दिख रहा है अभी उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि 100+ जाना चाहिए। और जो वहाँ हमारे कुछ भिलाई से संबंधित कुछ लोग जो रहते हैं उसमें जो चर्चाओं पर, तो मुझे लगता है जो कांग्रेस बोल रही कि एकदम उनकी स्लाइड विक्ट्री होगी, वन साइडेड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझको लगता है कि शाम थोड़ा और देख ले, 2-3 बजे तक हमारी लीडर। एक बार बताइए, आप कांग्रेस बोल रही थी हमारी एक तरफा विक्ट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कांग्रेस का कहा हुआ तो आपको याद आ रहा है? और जो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि हमें स्पष्ट जनादेश मिलेगा, वो आपको याद नहीं आ रहा है? अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की बात आप भूल गए, कांग्रेस के किसी नेता ने बोल दिया स्पष्ट जनादेश का तो वो आप याद रखना चाहते हो? एक तो सवाल मेरा ही है, दूसरा मेरे दूसरा विषय ये जानने का है, 5 साल सत्ता में लगभग रहने के बाद
स्पष्ट जनादेश पाने में नाकाम, इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार होता है। हम लोग तो आखिर छत्तीसगढ़ में भी देखे हैं, 15 साल रहे सत्ता में, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। तो इससे जो कार्य करते रहना और जीत के लिए प्रयास करते रहना जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। अब कई बार होता है कि भाई वहां पे जो राजनीतिक परिदृश्य बनते हैं उसके स्थानीय भी बहुत से कारण होते हैं, उन कई कारणों के आधार पर ये विधानसभा के चुनाव होता है। जहां तक राष्ट्रीय स्तर का परिप्रेक्ष्य रहता है उसमें बड़ा स्पष्ट रहता है। तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक में, मैं शैलेश जी के पास जाऊं उससे पहले राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक सवाल आपसे कर लेता हूं। आपसे पहले हमारे साथ में अमरजीत भगत जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने कहा ये देश में जिस नीति पर चल रही है भाजपा उसके खिलाफ जनादेश है। राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया आप लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया है कर्नाटक का परिणाम। क्या कहते हैं आप, बदलेंगे अपनी रीति और नीति? हमने क्या प्रताड़ित किया जी? राहुल गांधी को कौन प्रताड़ित किया? राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दिया, राहुल गांधी ऊपर कोर्ट में गए, आगे भी कोर्ट में जा रहे हैं, कानूनन उनके ऊपर हुआ। किसको कौन सजा दे रहा है? कोर्ट के आदेश को भी ये मानते हैं कि नहीं है कि भाजपा कर रही है। अब इतना हो जाए, अब ऐसा कहने लगेगा कोई तो लोग तो ये चर्चा करने लगे कि भाई जैसे जिस जज ने आदेश दिया था उसका प्रमोशन रुका तो भी अपनी तकनीकी कारण होगा, लेकिन उसको जोड़ दिया जाए अगर इस घटना से, हेडलाइन तो ऐसे ही बना कि राहुल को सजा देने वाले जज ने का प्रमोशन रुका। तो मेरा ये कहना है कि ये नहीं है, राष्ट्रीय बहुत अलग है। मैं अभी की जो हम लोग आश्वस्त हैं अपने नेतृत्व के आधार पे, लेकिन जो रुझान आप बता रहे हैं कि 52 और 82 इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन के पास देर से जाता है, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा और बदल गया है, कांग्रेस 95 भाजपा 64, कुल मिलाकर स्पष्ट जनादेश की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस। शैलेश नितिन त्रिवेदी मेरे साथ हैं। शैलेश जी, कुर्सी पर बैठा रहना चाहेंगे या आसमान में उड़ना चाहेंगे? जमीन से जुड़े रहें यही आवश्यक है, और कांग्रेस जमीन से जुड़ी रही तब इतनी विकट परिस्थितियों में, इतनी विषम परिस्थितियों में ये जीत कांग्रेस के पाले में आती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक के जो रुझान हैं मैं उससे 5 बातें समझ रहा हूँ जी। पहला, बजरंग बली की जय। बजरंग बली के नाम का जो दुरुपयोग करने की कोशिश भाजपा ने की उसको बजरंग भक्तों ने खारिज कर दिया जी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी गए थे, उन्होंने गालियों की बात की थी कि मुझे 91 गालियां दी गई, और उस पर प्रियंका गांधी जी ने जो उत्तर दिया था कि देश का प्रधानमंत्री अपने ऊपर पड़ने वाली गालियां गिनता है, उससे भी चुनाव का माहौल बहुत बदला। और तीसरा, कर्नाटक में जो मेहनत कांग्रेस के नेताओं ने की, कार्यकर्ताओं ने की, उसको जनता का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला। चौथा, कर्नाटक अब विकास के रास्ते पे चलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है वैसे ही कर्नाटक अब विकास करेगा। ईडी आईटी जैसे सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग को कर्नाटक ने खारिज कर दिया है। कर्नाटक ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने की भाजपा की नीति को मतदाता पसंद नहीं करते, देश के लोग पसंद नहीं करते। और राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में ही वो भाषण दिया था, तो स्पष्ट रूप से कर्नाटक में वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कर्नाटक की जनता का जनादेश बहुत स्पष्ट रूप से आया है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो प्रताड़ना का कार्य करती है, जो विरोधियों के ऊपर दमन करती है, जो लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, उसको देश की जनता, कर्नाटक की जनता पसंद नहीं कर रही है। आपने 5 बातें समझाना चाहिए थी, 4 बातें समझाई। एक बात अपने तक ही रखना चाहते हैं या दर्शकों से 5वीं बात भी साझा करना चाहेंगे? 5वां, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जिस तरीके से वहां अमूल को ले जाया गया और जिस तरीके से वहां नंदिनी का ब्रांड था, तो कर्नाटक की जनता का जो स्वाभिमान, कर्नाटक की जनता का जो क्षेत्रीयता और कर्नाटक की जनता का जो एक अपनी पहचान, कन्नड़ पहचान,
उस पहचान पर भी जब भाजपा हमला करने लगी तो इसको भी कर्नाटक की जनता ने खारिज किया है। तो आप सब कुछ समझ पाए, पर यह बात समझने को तैयार नहीं हो पाए कि जो कांग्रेस खंड खंड रहा करती थी, जो कांग्रेस सिद्धारमैया शिव कुमार इनमें बटा करती थी, वो कांग्रेस इस चुनाव में एकजुट होकर काम की, जिसका ये नतीजा है, इसको आप नहीं समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी ने येदुरप्पा को खारिज किया, जगदीश शेट्टर को घर बिठाना चाहा, ये उसका भी परिणाम है, इसको आप नहीं समझ पाए। ये समझ पाने में आपको परहेज क्यों है? सब कुछ आप अपने अनुसार ही देखना चाहते हैं? नहीं, ये समझने से मुझे कोई परहेज नहीं है। मैंने कहा भी कि कर्नाटक में कांग्रेस की मेहनत को मतदाताओं का जो आशीर्वाद मिला, मेरा आशय वही था। और आप जिन दोनों बिंदुओं की बात कर रहे हैं, दोनों बिंदु पूरी तरीके से वैलिड हैं, जायज हैं। अपनी अज्ञानता में यदि मैं उसे छोड़ गया तो यह मेरी गलती है। नहीं नहीं, आप छोड़े नहीं गए, हम तो समझना ये चाहते हैं कि क्या कर्नाटक के संदेश को कांग्रेस अपने बाकी राज्यों में ग्रहण करने के लिए तैयार होगी? ये जो एक दूसरे के गला काटने के लिए तत्पर रहते हैं कांग्रेसी, वो समझ पाएंगे कि भाजपा से अगर जीतना है तो एक दूसरे के गले काटने के स्थान पर एक दूसरे के गले मिलना जरूरी होता है? आपकी बात पूरी तरह से सही है, और यही यदि कहीं कोई ऐसे अंतर विरोध हैं तो उनको दूर करना पार्टी की पहली प्राथमिकता होती है, होना भी चाहिए। कहीं कोई गलतियां हैं तो उनको सुधारने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग सेमीफाइनल कह रहे हैं, लेकिन मैं कर्नाटक को क्वार्टर फाइनल बोल रहा हूं जी। हमने क्वार्टर फाइनल में भाजपा को हराया है जी। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के चुनाव बाकी हैं, और उसके बाद और राजस्थान भी, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, और उन लोकसभा चुनावों में देश में कांग्रेस की सरकार बनाना हमारा परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए काम करते समय हमें कोई चूक नहीं करना चाहिए, सारी संभावनाओं पर विचार करके मेहनत करना चाहिए। आपने जो बातें कही वो बात बेहद गंभीर है और उस पर ध्यान देना जरूरी है। नितिन त्रिवेदी मान रहे हैं एक संदेश है, क्वार्टर फाइनल जीते, अभी तो सेमीफाइनल भी जीते, तब फाइनल के लायक समझे जाएंगे। पर मेरे साथ में राजकुमार सिंह जी हैं। राजकुमार सिंह जी, ये क्या कर दिया कर्नाटक ने? भारतीय जनता पार्टी ने ये समझाने की कोशिश की थी कर्नाटक की जनता को कि देखो, ये कांग्रेस को जिताना ठीक नहीं है, अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे कराएगी। जो दंगे कराती है उस पार्टी के प्रति जनादेश आता हुआ दिख रहा है, क्या कहते हैं राजकुमार जी? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर को अपने हिसाब से दिखाना चाहा, समझाना चाहा जी, लेकिन राजनीतिक दल और नेता अक्सर मतदाता के विवेक को कम आंकने की गलती करते हैं और गच्चा खाते हैं जी। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी परिणाम आना बाकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि रुझान ये बता रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है, लेकिन अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरा अपना मानना है कि अगर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर नहीं छू पाई, दो चार सीटें भी पीछे छूट गई, तो ये तमाम बढ़त उसकी बेमानी हो जाएगी और जेडीएस फिर किंग मेकर की भूमिका में होगा जी। जिसके साथ सौदेबाजी के लिए भाजपा के पास बहुत कुछ है, कांग्रेस के पास ज्यादा नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने पिछली बार सौदेबाजी की थी जी। और अपने से आधी सीटों वाले जनता दल एस के नेता कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया जी। लेकिन भाजपा के पास सौदेबाजी के लिए बहुत कुछ है और भाजपा नेताओं की जो सौदेबाजी की क्षमता है उसको कम नहीं आंकना चाहिए जी। अब मैं आता हूं कि कर्नाटक ने क्या किया जी। देखिये मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहे जो भी, लेकिन ये जो चार साल की सरकार चली, चार या पौने चार साल की, ये उसका नकार है, उसको रिजेक्ट किया है। पर मैं इससे पहले, आप आगे कुछ कहें उससे पहले एक कमाल का अपडेट देता हूं राजकुमार जी। ये शालिनी नितिन त्रिवेदी जी अभी हमें समझा रहे थे एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहते हैं और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं, ये अभी अभी मेरे पास में एक बयान आया है। ये बयान है यतीन्द्र सिद्धारमैया। अब आप पूछेंगे यतीन्द्र सिद्धारमैया कौन है? सर, यतीन्द्र सिद्धारमैया जो है ना, वो माननीय सिद्धारमैया जी के बेटे हैं, वो सिद्धारमैया जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और यतीन्द्र सिद्धारमैया ने बयान दे दिया है, मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी बहुमत के संदर्भ में स्पष्टता नहीं है और आ गए मैदान में। इसके लिए कई कहावतें अपने यहाँ देहात में प्रचलित रहती है, कोई सी भी कहावत का आप उपयोग कर सकते हैं। क्या कहते हैं राजकुमार जी, यही कांग्रेस की परेशानी, यही कांग्रेस की दिक्कत? एक छोटी सी सफलता दिखी नहीं है, उसे बटोरने के लिए होड़ शुरू हो गई।
मानसू जी आपने कहा था, द्विवेदी शैलेश जी चुक गए तो उस बात को मेंशन करने में जी, कि हिमाचल में कांग्रेस अगर जीती जी तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, गुटबाजी पे किसी तरह से नियंत्रण पाया गया, दूसरा जी चुनाव को स्थानीय मुद्दों तक केंद्रित रखा गया। वही कोशिश कांग्रेस ने कर्नाटक में की जिसके परिणाम मिलते दिख रहे हैं, लेकिन जी हम देख रहे हैं कि हिमाचल में भी सरकार बनने के बाद सत्ता का कलह थमा नहीं है जी, और कर्नाटक में अभी परिणाम आना शेष है पूरे जी, वहां दावेदारी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस को जीत को जो मिलती हुई दिख रही है उसमें भी एक संदेश निहित है, कांग्रेस एकजुट रहेगी, जमीन से जुड़ी रहेगी तो मुकाबला कर पाएगी जी, वरना नहीं कर पाएगी। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तभी दो दिन से राजस्थान में जहां चंद महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, और पार्टी जैसे वो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ये उनकी निजी यात्रा है, जनसंघर्ष यात्रा निजी यात्रा कैसे हो सकती है जी। और क्या सचिन पायलट की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कांग्रेस में जी, तो समस्याओं से निपटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कांग्रेस के पक्ष में मोटे तौर पर भाजपा सरकारों की नाकामियां, पहले येदियुरप्पा सरकार फिर मुंबई सरकार जी, तीसरे जो सामाजिक समीकरण कर्नाटक का बिगड़ा जी, आप देखेंगे कांग्रेस के पक्ष में बोकालिंगा पहले से थे, उनके बाद डीके शिवकुमार है, कुरवा समझाए तीसरा बड़ा समुदाय है कर्नाटक का, सिद्धारमैया उसके प्रतिनिधि है, और जब लिंगायत में बंटवारा हुआ सेटर बगावत करके भाजपा से चले गए कांग्रेस में, पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी चले गए, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का सामाजिक समीकरण था जो राजनीतिक समीकरण भी बन जाता है वो बिगड़ा, उसका परिणाम ये है, उसका परिणाम ये है। लेकिन इस परिणाम को थोड़ा और विस्तार देते हैं, प्रेम प्रकाश जी हैं हमारे साथ में अभी, क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश जी, या आपकी पार्टी के अंदर जो होड़ मची है अपने स्थापित नेताओं के, नीचे से 6 इंच नहीं ऊपर से 6 इंच छोटा करने की, उसका भी नतीजा है येदियुरप्पा इतना लोकप्रिय नेता, पहले घर बिठा दिए, चुनाव के अंदर फिर लगा तो झाड़ फूंक के फिर से बाहर मैदान में ला दिए। जगदीश शेट्टार एक अदद सीट चाहिए थी, वो भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। लक्ष्मण सावदी क्या कहते हैं आप, अपनी ही स्थापित प्रतिमाओं का भंजन करने की होड़ जो मची है उसका नतीजा, कुछ कहना चाहेंगे आप, हालांकि आपका अपना गृह राज्य भी इससे अछूता नहीं है ऐसा कई लोगों का आकलन है। येदियुरप्पा जी को चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी थे और पूरा काम येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में हुआ है, ऐसा नहीं है येदियुरप्पा जी सीनियर लीडर हैं, वो हमारे जो सेंट्रल कमेटी है उस कमेटी के मेंबर हैं, तो येदियुरप्पा जी के कार्य और उनके सम्मान में कहीं ये नहीं रहा। प्रेम प्रकाश जी थोड़ा रुकिए, क्या है आपसे तो खुल के ही बात होगी भाई, ऐसे तो बात ना होगी, ये बोले वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, वो चुनाव अभियान समिति के भी प्रमुख थे, इन सब के लायक थे, मुख्यमंत्री बनाए रखने के लायक नहीं थे, और इसीलिए जनता ने आपको सत्ता के लायक नहीं समझा, कुछ कहेंगे? नहीं नहीं मुख्यमंत्री तो थे, फिर उन्होंने उन्होंने उन्हीं की इच्छा अनुसार मुंबई जी को बनाया गया था। प्रेम प्रकाश जी थोड़ा क्या है कि आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है राज्य में भी और हमारे दर्शकों के बीच में कि भाई प्रेम प्रकाश जी गलत बयान ही नहीं करते, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि मतलब आप क्या बोल रहे हैं, मतलब आप कहना चाहते हैं कि येदियुरप्पा जी का अपना मन नहीं था मुख्यमंत्री बने रहने का, वाकई ऐसा था? पता नहीं किस क्षण आ जाए बयान आप में से किसका कि मेरा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, इच्छा होते हुए भी इच्छा नहीं कहलवाना, थोड़ा इसके संदर्भ में बता दीजिए प्रेम प्रकाश जी, बाद में कहीं संकट ना आए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जब भी जो निर्णय की होगी पार्टी, पार्टी निर्णय करती है, देखिए सही बात है, तो येदियुरप्पा जी के इच्छा के अनुसार, क्योंकि एक मोटे तौर पर ऐसा चल रहा था कि 75 साल या क्या उम्र वाला जो भी जैसा मामला हो हम लोग भी इसमें पढ़ते हैं, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया येदियुरप्पा जी ने उसको स्वीकारा और येदियुरप्पा जी के सम्मान का और उनकी इच्छाओं का भी पूरा पार्टी ने ध्यान दिया और इसलिए वो पूरे चुनाव अभियान में लगे रहे और परिणामों की अभी तो बहुत शुरुआती है ना, कोई शुरुआती नहीं है, इलेक्शन कमीशन लगातार रुझान दे रहा है। और अपडेट देता हूं आपको, 100 सीटों पर कांग्रेस, 68 पर भाजपा। प्रेम प्रकाश जी आपको कहीं से भी हौसला नहीं मिल रहा है, सब तरह से जो खबर आ रही है ना वो आपके लिए संकट की आ रही है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो फैसला पार्टी ने लिया
क्या आप नहीं मानते हैं, उस फैसले को जनता ने नकार दिया। येदियुरप्पा को हटाने का फैसला आपकी पार्टी ने लिया और ये फैसला जनता को रास नहीं आया। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ यही फैसले नहीं होते हैं। देखिए, चुनाव में किसी एक कारण को ही प्रमुख कारण मान लिया जाए ऐसा मैं नहीं मानता। और येदियुरप्पा जी को सीएम से हटा के, लेकिन सारा काम तो उनके अनुसार ही था। तो प्रेम भाई, अब आप बताओ कि ऐसा रुझान क्यों आ रहा है? चलिए, हमारे तो सारे कारण ही गलत हैं, हम जो समझ पा रहे हैं ना, हमारी समझ ही गलत है, हमारी समझ में ही कोई कमी है। अब आप ही समझाओ कि ये जो रुझान आ रहा है ना, नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी जैसा अनुशासित संगठन, मुद्दों के स्तर पर ऐसी तीक्ष्णता और जनहित में लिए गए भाजपा सरकार के द्वारा 5 साल तक निरंतर फैसले, इसके बाद में भी जनता का साथ मिलता नहीं दिख रहा। क्यों नहीं मिलता दिख रहा प्रेम प्रकाश जी, हमें समझाइए ना, हम समझ नहीं पा रहे भाई। देखिए, मेरा एक ये मानना है कि कर्नाटक में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके वोट इधर डिवाइड होते थे, वो ना डिवीजन होकर के वो एक तरफा गया है, उधर पोलराइज ज्यादा हुआ और उस समाज का वोट जो है कांग्रेस की ओर गया। दूसरा, जो बहुजन और जेडीएस के जो समझौते थे, तो बहुजन के भी वहाँ से हटने से जो समझौते नहीं रहे, तो उसको जेडीएस के भी, तो कांग्रेस को उधर जो भाग रहा है वोट, तो ये कुछ सीटों पर होगा। तो अंतर अभी मैं जैसा मैंने पहले ही कहा कि मेरे को लगता है कि 100 के आसपास जाना चाहिए। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत हो जाएगा, क्योंकि ये रुझान देख करके हम अभी इस बात को मान रहे हैं कि हमारी 100 पार होना चाहिए। अब आप योद्धा आदमी आखिरी समय तक हार थोड़ी मान लेंगे। जब तक चुनाव आयोग सर्टिफिकेट जारी ना कर दे, तब प्रेम प्रकाश जी टिके रहिएगा, यही तो आपकी पहचान है, आखिरी समय तक जूझते रहना। तो यहाँ पर भी जूझते रहिए, लेकिन हाल फिलहाल संकट तो है। आपने मुझे इसका उत्तर नहीं दिया कि क्यों ये हालत, आप बड़े सरल आकलन के साथ में हमें बहका दिए या बहला दिए, जो भी आप मान लें कि वो अल्पसंख्यक कंसोलिडेट हो गए। आपकी रणनीति तो बड़ी जबरदस्त रहती है प्रेम प्रकाश जी, आपके होते हुए अल्पसंख्यक एकजुट होकर कांग्रेस को वोट कर दिया, ऐसी रणनीतिक चूक आपसे कैसे हो गई प्रेम प्रकाश जी? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि ये कंसोलिडेशन हुआ है और हमारा जो है, जो विभिन्न इनके जो नेतृत्व जो खड़े हुए और अलग अलग समाज के, जैसे हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा था पिछले समय क्या हुआ था कि भूपेश बघेल जी सीएम बनेंगे, तामदर साहू सीएम बनेंगे, टीएस सिंहदेव सीएम बनेंगे, चरण दास बनेंगे, तो इनके हर समाज के लोगों को लगा कि हमारे समाज का सीएम बनेगा, तो बहुत सारे सीटों पर इनके समाज के भी प्रत्याशियों को नकार दिया गया। तो ये भी एक कांग्रेस की अपनी रणनीति रहती है कि वो बहुत से मल्टीपल चेहरों को सामने ले आ करके ले आते हैं, तो इसका भी कुछ लाभ हुआ होगा। कुल मिला के प्रेम प्रकाश जी मानने के लिए मजबूर हो गए भाई, कांग्रेस भी अब रणनीति बनाने लगी और रणनीति बनाकर हमें निपटाने लगी है। तो वापस आते हैं शैलेश जी आपके पास में, पहले तो इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ही परिणाम आने लगते हैं बिखरने लगते हैं। इतनी बेकरारी, इतनी बेसब्री, इतनी बेताबी, क्या कर रहे हैं आप? मैं इसे बिखराव नहीं कहूंगा। अच्छा, ये अति उत्साह है। स्वाभाविक रूप से जब जीत सामने दिखती है तो हर व्यक्ति अपनी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप बात करता है, और ये बात सिद्धारमैया जी के बेटे ने कही है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। अभी मैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली गया था जी, तो लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे वरिष्ठ नेता कर्नाटक में थे, और स्वाभाविक रूप से इस जीत के बाद सारा राष्ट्रीय नेतृत्व सब कुछ स्मूथली हो ये सुनिश्चित करेगा और कर्नाटक में सारी चीज़ें बेहतर होंगी। मैं ये भी देख रहा हूँ कि रुझानों में जो बीजेपी 80 दिख रही थी जी, कई जगह वो 79-78 होती हुई दिखाई दे रही है। और मेरा यह मानना है कि जब अंतिम परिणाम आएंगे, तो जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ था, आखिरी में एकदम से सीटें बढ़ी थी, इस बार कांग्रेस की सीटें एकदम से बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस की सफलता को कहीं ना कहीं
कुछ कम करके दिखाया कुछ जा रहा कम करके दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी सूचना और देता हूं शरद जी, अब आप बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं चुनाव आयोग के वेबसाइट के अनुसार। चुनाव आयोग जो अधिकृत रूप से आंकड़े जारी कर रहा है वो बता रहा है कि 110 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी स्पष्ट बहुमत से महज 3 सीट और बाकी रह गई है रुझानों के अंतर्गत। दूसरी बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता इस समय अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया तो पहले ही आगे चल रहे थे, पर दो बड़े किरदार पीछे चल रहे थे। एक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वह पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वह अपनी सीट पर आगे हो गए। प्रियांक खड़गे चित्तापुर सीट पर आगे चल रहे हैं। जो कल तक भाजपा ही थे आजकल कांग्रेसी हो गए नए नए जगदीश शेट्टार, जो धारवाड़ सेंट्रल सीट से हुबली पे चुनाव लड़ रहे थे वह भी पीछे चल रहे थे, लेकिन वह भी आगे आ गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए हर खबर बेहतर आ रही है, पर जो आप बता रहे हैं कि ये बिखराव नहीं है, ये अति उत्साह है, सचिन पायलट के संदर्भ में जिक्र किया था हमसे राजकुमार सिंह जी ने, ये छत्तीसगढ़ में भी एक किरदार है, नाम है उनका TS सिंहदेव, पिछले कुछ दिनों से लगातार जहां मौका मिल रहा है बोल रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है। भाई जी सिंहदेव जी, ये चुनाव लड़ने का मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे क्या, क्या मन नहीं है या क्यों मन नहीं है? जी शैलेश जी, TS सिंहदेव जी ने यह भी बात तो स्पष्ट रूप से कही है कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे, और चुनाव लड़ें या न लड़ें वे पिछले चुनाव के समय से अपनी अनिच्छा आगे लड़ने को लेकर कहते रहे हैं। इसे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखना उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, मेरा धर्म नहीं बताएंगे हमें इसे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। शैलेश जी ने कहते नहीं देखना चाहिए, पर बहरहाल मेरे साथ में धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ इस सियासत का बहुत बड़ा चेहरा है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। तो धर्म जी बड़ी निगाहें गड़ी हुई हैं कर्नाटक को लेकर, उस कर्नाटक से खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं आपकी पार्टी के लिए। अभी भी आपका हौसला बना हुआ है या आपने भी मान लिया है जो रुझान है वही परिणाम है? देखिए, जब तक अंतिम परिणाम ना आए, अभी तो मैं समझता हूँ कि जो काउंटिंग हुए होंगे 5-6 दौर के हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा जी, और जो काउंटिंग चलती है वो 12-14-15 तक के जी, और इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को बहुमत मिल गई है जी, क्योंकि आप देखते हैं कि लास्ट में बहुत सारी सीटें 10-12 सीटें इधर से उधर हो जाती हैं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम अंतिम परिणाम का इंतजार अभी करेंगे जी, और इतनी जल्दबाजी में ये नहीं कह सकते कि सत्ता कांग्रेस को मिल गई है या उनके हाथ में लग गई है जी। ये जरूर है कि अभी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी 4-5 राउंड का दौर ही हुआ होगा, ये मैं महसूस कर रहा हूँ समय के घड़ी के अनुसार से, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो तस्वीर साफ होगी जी। पर धर्म जी, आप इस तस्वीर को लेकर परेशान नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय का रथ जैसा दौड़ता है उसमें कांग्रेस तो दाएं बाएं भी नहीं दिखनी चाहिए, पर यहां तो दाएं बाएं थोड़ी दिख रही है, आपसे बहुत आगे दिख रही है। ये बात आपको परेशान नहीं कर रही, बेचैन नहीं कर रही धर्म जी? देखिए, जब परेशानी और बेचैन की बात आती है तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो भी परिणाम आएंगे हमारे सामने में है, जो भी स्वीकार करेंगे, लेकिन जो प्रदेश के कुछ प्रदेशों की जो स्थिति है और पिछला चुनाव का जो आपके पास रिजल्ट है जी, उसमें कई प्रदेशों में जो स्थिति बनी हुई है कि एक बार BJP और एक बार कांग्रेस या अन्य पार्टी, हिमाचल हम बहुत प्रयास किए कि हमारे हाथ में आ जाएगी, हम रिपीट होंगे, लेकिन हिमाचल में हम पीछे हुए जी। राजस्थान में आज से लगभग ये दिखाई दे रही है कि BJP की सरकार बनेगी जी, और जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं जो भी कारण हो, लेकिन जनता भी ये बात को बोल रही है और आप भी इस बात के लिए मैं समझता हूँ इनकार नहीं करेंगे जी। कमोबेश जो स्थिति है कर्नाटक के बारे में, हम लोग जो पिछले यदि रिजल्ट को देखेंगे
तो मुझे लगता है कि जो जनता का जो ट्रेंड है जी, और जो मत उनका है कि एक बार जो परिवर्तन का, तो ऐसा लगता है कि वोटों के समीकरण से कि शायद कुछ काम एक अलग फैक्टर है। काम बहुत बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है जी, लेकिन कई बार आप देखोगे कि काम करने के बाद भी कई बार प्रभावित मन बनाने में और मानसिकता में अंतर में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कमोबेश में मुझे लगता है कि यहाँ भी जो एक परिवर्तन का, वो शायद उसके कारण वोट का समीकरण बिगड़ा है। दादा जी, मैं थोड़ा और खुलकर बात करता हूँ आपसे, क्या आपको नहीं लगता है कि अब आपकी पार्टी को एक बार फिर अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा? ये पिछले कुछ समय से पार्टी ने अपनी स्थापित प्रतिभाओं के भंजन का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, खुद से अपने ही नेताओं को खारिज करने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसे अब रोकना पड़ेगा। येदियुरप्पा को निपटा दिए, आप यहाँ बता रहे काम बहुत अच्छा हुआ था, और जो अच्छा काम कर रहे थे येदियुरप्पा, वो पूर्व मुख्यमंत्री बना दिए गए। अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के टिकट काटने की होड़ लगी हुई थी, मानो इसी से ही जैसे सफलता मिलती है। क्या आपको नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस रणनीति पर विचार करना पड़ेगा? चाहे बात डॉक्टर रमन सिंह के संदर्भ में हो, चाहे बात वसुंधरा राजे सिंधिया के संदर्भ में हो, चाहे बात धर्मलाल कौशिक के संदर्भ में हो, पार्टी को इनकी अहमियत को समझना होगा। क्या कहते हैं? नहीं तो येदियुरप्पा बनाने की ये होड़ पार्टी को भारी पड़ेगी। देखिए राष्ट्रीय राजनीति पर यदि अपन बात करेंगे बीजेपी के, तो एक उदाहरण मैं आपको असम का दे सकता हूँ जी, कि असम में नए चेहरे आए, चेहरे आने के बाद भी सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ में हमने बनाई है जी। दूसरा मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ उत्तराखंड का जी, कि उत्तराखंड में जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे वर्षों तक जी, और एक चुनाव में उसका रिजल्ट आप देखे हैं जी, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जहाँ तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पार्टी, चाहे वो सीनियर यहाँ के लीडर हो या कार्यकर्ता हो या नए कार्यकर्ता हो, सभी के पास में कोई ना कोई दायित्व, तो सभी की जवाबदारी। और मुझे लगता है कि जो सामूहिकता का, जो हमारे यहाँ जो निर्णय है सामूहिकता के साथ में, जो चुनाव का प्रयास हो या पार्टी चलाने के प्रयास हो, हमारे यहाँ वो बरकरार स्थिति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी, कि जिस प्रकार से हमारे बैठकों में और बाकी चीज़ों में या सेंट्रल के द्वारा जो भी निर्णय लेंगे, इन सारी बातों पर विचार निश्चित रूप से करेंगे, और विचार करने के बाद में सभी का समावेश अभी तक हुआ है और आगे भी उसका समावेश रहेगा। आगे भी समावेश होगा। धर्मलाल जी कह भी क्या सकते हैं इसके अलावा? धर्मलाल जी ये बोल देंगे कि हाँ, हमने अपनी ही पार्टी के नेताओं को खारिज करना शुरू कर रखा है, पर राजकुमार सिंह जी के साथ तो कोई बेवसी नहीं है। ना राजकुमार जी को राज्यसभा में जाना है, ना भाजपा के तौर पर कोई टिकट पाना है। तो राजकुमार जी आप ही बताएं, क्या कहते हैं? जो कर्नाटक के रुझान हैं, भाजपा को अपनी रणनीति बदलने के लिए बाध्य करेंगे? दिल्ली ही हर चीज का समाधान नहीं हो सकती, राज्य की अपनी अहमियत, राज्य के नेताओं की अपनी हैसियत मानना पड़ेगा। देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक दक्षिण भारत में भाजपा का प्रवेश द्वार अगर बन पाया जी, तो उसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो, निश्चित रूप से संघ का कामकाज था, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, लेकिन एक चेहरा था येदियुरप्पा जी, उनकी बदौलत मिला था जी। और अगर आप उनको किनारे करेंगे जी, अभी प्रेम प्रकाश जी चले गए कि उनकी अनिच्छा थी, राजनेता की अनिच्छा कभी नहीं होती पद छोड़ने के लिए जी। कोई राजनेता इच्छा से पद नहीं छोड़ता। उनको कहा गया कि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा, सम्मानजनक विदाई ले लीजिए जी, और उनकी पसंद से नहीं बने थे वो भाई जी। आपको एक लिंगायत को रिप्लेस करना था, जो लिंगायत समुदाय आपका कर्नाटक में सबसे बड़ा समर्थक वर्ग है जी, इसलिए आप मुंबई के बेटे सबराज बोम्बई को लाए, जो मूलतः भाजपा के हैं भी नहीं जी, न संघ से लेना देना, न भाजपा की संस्कृति से लेना देना है, वो जनता दल के थे। मिले भाजपा को 39 और 38% वोट मिले जी, लेकिन कांग्रेस की सीटें भाजपा से कम आती थी जी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस वोटों का प्रतिशत तो ज्यादा बरकरार रखने में सफल रही है जी, बढ़ाया है कांग्रेस ने, और सीटें भी बढ़ रही हैं। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का बेहतर प्रबंधन है, और प्रियंका गांधी जी के द्वारा और
राहुल गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस के सारे नेताओं के द्वारा किया गया आक्रामक प्रचार है। एक और कारण, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से ही तो आते हैं जी, एक दलित नेता है, और खड़गे जी को जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं जो कर्नाटक की एक आइडेंटिटी राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट हुई है कांग्रेस में, कर्नाटक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है, तो इसने भी कर्नाटक की अस्मिता की पहचान को, कर्नाटक की जनता के स्वाभिमान को सुदृढ़ किया, सुदृढ़ किया। मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है शैलेश जी, वो क्या है कि जब आप नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहे थे ना, तो आपकी पार्टी से हमें ये पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुकाबले मुख्यमंत्री का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और खड़गे जी का गृह राज्य है कर्नाटक, खड़गे जी का कई बार अरमान रहा, दावेदारी रही, विश्लेषकों का आकलन रहा, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं पर हो नहीं पाए। अब तो आ गया जनादेश, दिख रहा है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, एक दलित मुख्यमंत्री के तौर पर खड़गे जी कोई चॉइस हो सकते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों को तय करना है कि उनका नेता क्या होगा, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें ही तो तय करना है सब कुछ, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार पूरे परिणामों के आते तक, और पूरे परिणाम आने के बाद कांग्रेस के बहुमत निर्वाचित विधायकों के फैसले के आते तक, और उसके बाद पार्टी आलाकमान के फैसले। धर्म जी क्या कहते हैं, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का साहस ले पाएगा कांग्रेस का गांधी परिवार? इस संदर्भ में कोई आकलन देना चाहेंगे आप? क्या शैलेंद्र त्रिवेदी ने तो पहले तो कहा कि विधायक फैसला करेंगे, फिर हम सवाल कर लेते भाई कांग्रेस में कब से विधायक मुख्यमंत्री तय करने लगे, तो मैं कहता कि खड़गे जी को ही तय करना है, आखिरी में आ गए वो उसमें। तो मैंने कहा धर्म जी से पूछा, धर्म जी क्या कहते हैं आप, बड़ी मुश्किल से गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष मिला कांग्रेस को, ये परिणाम कहीं अध्यक्ष पद को फिर संकट में तो नहीं ला देगा? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक जो निर्णय हम लोगों ने देखा है कांग्रेस के अंदर में जी, और जो पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो एक महज औपचारिकता राज्य की रह जाती है, विधायकों की रह जाती है जी, और फिर प्रत्येक वहां के जो नेता है कहने लगते हैं कि हाईकमान का जो आदेश होगा जी, और हाईकमान का जो आदेश होगा मतलब आप दिल्ली चले जाओ जी, और दिल्ली जाने के बाद में आपको चुटका बना करके दे दिया जाएगा कि आप जाइए और इसको शपथ करा दीजिए जी। इसमें मुख्य रूप से जब हाईकमान की मैं बात करता हूँ जी, तो अभी भी खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जब हाईकमान की बात आती है तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी शैलेश जी भी बोल रहे थे कि राहुल जी मेहनत किए, प्रियंका जी मेहनत किए, लास्ट में आए कि खड़गे जी यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, उन्होंने मेहनत नहीं की, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शैलेश जी ने यही बताया था अपने को, धर्म जी मेहनत राहुल जी और प्रियंका जी ने की थी, बाकी खड़गे जी भी यहां से ताल्लुक रखते हैं। आप एकदम ठीक जा रहे हैं धर्म जी। जी, प्रियंका जी की मेहनत है जी। बस तो ये जो भूमिका है और ये जो बात बोल रहे हैं कि आखिरी में तय होने की बात आएगी तो खड़गे जी को तय करना है जी, तो खड़गे जी कितना तय करेंगे आपके सामने में है जी, लेकिन कितना हिम्मत जुटा पा रहे हैं जी, और जुटा करके कि यदि इनको लगता है कि जिनके बल पर आया उनको और ऐसे अवसर पर उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको सफलता मिली, प्रदेश में सफलता मिल रही है, तो उस पर उन पर विचार करके उनको बनाना चाहिए। मुझे देखो बने ठीक बात है, लेकिन अभी संशय की स्थिति है जी, कि क्या हिम्मत जुटा पाएंगे, हाईकमान हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, निश्चित रूप से संशय की स्थिति है, और इस संशय की स्थिति में निर्णय फिर आएगा हाईकमान, और हाईकमान कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी। पर धर्म जी एक बात और लूंगा, आता हूँ शैलेश जी, आप परेशान मत होइए, खड़गे जी के संदर्भ में आप स्पष्टीकरण दे लीजिएगा, हम मौका देंगे आपको, पर अभी धर्म जी से बात हो जाए। धर्म जी, कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया कर्नाटक में, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, 40% की सरकार, तो आपसे जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार वाकई कोई मुद्दा रहता है परिणामों की शक्ल में? और अगर भ्रष्टाचार मुद्दा रहता है तो 6 महीने बाद चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, 6 महीने बाद चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, 6 महीने बाद चुनाव होना है राजस्थान में, 6 महीने बाद चुनाव होना है तेलंगाना में, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रहेगा क्या? क्या उसको लेकर कोई उम्मीद जाग रही है आपकी?
देखिए, भ्रष्टाचार एक फैक्टर आप कह सकते हैं जी, कि जनता के सामने कि क्या उसके जिस प्रकार से सरकार चलाने के लिए जनता ने बहुमत दिया जी, और बहुमत देने के बाद में जो घोषणा पत्र जारी किया जी, और जो बाकी बातें जो कही गई कहां तक वो खरा उतरे जी, और खरा उतरने के बाद में कहां पर गड़बड़ियां हुए जी, तो लेकिन जिस प्रकार से प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है जी, उसमें अलग अलग बातें आई है। और मैंने जो एक बात जो कहा ना कि जो परिवर्तन का कहीं ना कहीं यहाँ पर जी, वो मतदाता के मन में बात रही है और वो रिजल्ट में जो दिखाई अभी दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा फैक्टर हुए है कि मतदाता को ये लगा कि एक बार परिवर्तन करके दूसरा अवसर दिया जाए, जैसा अभी तक का रिजल्ट है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है और राजस्थान की बात है जी, यदि भ्रष्टाचार की बात उनके नेता कर रहे हैं 40% की जी, तो क्या 40% से पीछे है छत्तीसगढ़ करप्शन में जी? आपके जिस दिशा में जाएंगे, कुछ दिन पहले कोल का स्कैम का मामला सामने आया जी, और गिरफ्तार कौन हुए हैं मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है जी। अभी जो मामला आया आपका शराब का जी, एक तरफ शराबबंदी का, पूर्ण शराबबंदी का वादा करना जी, और पूर्ण शराबबंदी के वादा करने के बाद में सरकार आने के बाद में कमेटी बनाना जी, कमेटी बनाने के बाद में उसका रिपोर्ट नहीं आना जी, और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री भी कहने लगे, अपने बयान में कहने लगे कि मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लूंगा जिससे किसी की मौत हो जाए जी। मतलब शराब नहीं पीने से मौत यदि हो गई तो मुख्यमंत्री के लिए गंभीरता का विषय है जी। और शराब पीने से रोज मर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के लिए विषय नहीं है जी। और जहां करप्शन की बात है, देखो परसों ये घटना आई, ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और उसके बाद में 50 लाख का दारू शराब फिर आपके गिरफ्त में आ गया। मतलब इतने हौसला बुलंद क्यों है जी। तो ये जो करप्शन का जो मामला है, यदि ये बोल रहे हैं कि 40% का, तो मैं समझता हूँ 40% का उससे प्लस में जाकर के छत्तीसगढ़ में करप्शन का मामला है। और ये करप्शन के मामला में हम सब लोग देख रहे हैं, बाकी जो बातें होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि केवल एक मामला नहीं, बहुत सारे इसके अंदर में मामला छुपा हुआ है, बहुत सारे मामले इसमें छुपे हुए हैं ये कहना है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, राजकुमार जी के पास जाऊँ, उससे पहले कुछ अपडेट साझा करना चाहूँगा। केवल कर्नाटक में ही चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव इसके अलावा उपचुनाव की शक्ल में भी है। एक महत्वपूर्ण जो रुझान हमारे पास है वो पंजाब से है। पंजाब में राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान जालंधर से जो सांसद थे उनका असामयिक निधन हो गया था, इसलिए वहां पे उपचुनाव हो रहा है। पर उस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। ये दावा किया जाता था कि आम आदमी पार्टी का प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है पंजाब में सरकार को लेकर, लेकिन रुझान बता रहा है इन दावों में बहुत दम नहीं है, क्योंकि जो सीट कांग्रेस की हुआ करती थी उस सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। दूसरी जो हमारे पास खबर है वो उत्तर प्रदेश से है। आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वार आगे चल रही हैं, स्वार सीट से। 96 से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। ओडिशा में झारसुगड़ा में जो चुनाव है वहां पर बीजेडी बढ़त बनाए हुए है, और सोईहुंग मेघालय में है वहां पे यूडीपी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। पर महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखे हुए है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, राजकुमार जी के पास मैं आना चाहता हूँ। राजकुमार जी, अभी भी भाजपा चाहती है कि उसकी उम्मीदों को जिंदा रखा जाए, लेकिन साफ दिख रहा है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक का स्पष्ट जनादेश के साथ अगर सरकार बना रही है तो आगे के लिए राह क्या दिखती है आपको? देखिए, कर्नाटक जैसे मैं पहले कह रहा था कि इस चुनाव का खास महत्व है और दोनों दलों के लिए है जी। एक टिप्पणी में करना चाहूंगा, कौशिक जी कह रहे थे कि आला कमान इन परंपरा बन गई, दिल्ली में फैसले होते हैं, तो कौशिक जी ये परंपरा तो दोनों राष्ट्रीय दलों में बन गई है जी। सारे फैसले दिल्ली से ही होते हैं और शायद उसके भी कुछ इस परिणाम में योगदान है जी। लेकिन जहां तक कर्नाटक का सवाल है, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, जो आपने एक सवाल उठाया था मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके, दलित फैक्टर वाला, कांग्रेस मुख्यमंत्री किसको चुनेगी
ये एक बड़ी समस्या भी होगी, चुनौती भी होगी और आगे की चुनावी रणनीति में बड़ा कारक भी बनेगा जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिद्धारमैया पहले से दावेदार हैं, उनके बेटे ने कह भी दिया है जी। शिव कुमार दो बार से प्रतीक्षा कर रहे हैं जी, वो कलिंगा समुदाय के बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और संसाधन संपन्न हैं जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बड़े नेता हैं, दलित समुदाय से आते हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो एक ये उपयोगी कार्ड हो सकता है। लेकिन कर्नाटक की राजनीति के अगर अतीत को देख लेंगे तो मुझे लगता है कर्नाटक में कांग्रेस जोखिम नहीं लेगी खड़गे को मुख्यमंत्री बना के जी, राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बेहतर परिणाम पाने के लिए कर्नाटक की अपनी जमीन खिसका दे जी। लेकिन कर्नाटक में अब जो होगा उसका आगे आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा, उससे बचे नहीं रहा जा सकता। शैलेश जी भी कह रहे थे कि कहीं कोई समस्या है, हर राज्य में समस्या है जी। सचिन पायलट ने तो खुला ऐलान कर दिया, सिंहदेव जी का आप बता रहे थे जी, हालात मध्य प्रदेश में भी सबको सामान्य नहीं है। लेकिन अच्छी बात कांग्रेस के लिए हो सकती है कि समस्या सिर्फ उसके घर में नहीं है, भाजपा में भी वसुंधरा राजे की नाराजगी एक बड़ी समस्या है भाजपा के लिए जी। और अगर उसका समाधान नहीं हुआ तो भाजपा के लिए परिणाम कर्नाटक से इतर नहीं होने वाला है। पर मेरा इसी पे सवाल है राजकुमार जी, क्या उम्मीद करें कि ये जो तमाम नेता रूठे रूठे थे, ये तमाम नेता जो घर बैठे बैठे थे, ये तमाम नेता जो अपने आप को हाशिए पर महसूस करते थे, कर्नाटक का नतीजा इनकी पूछपरख बढ़ा देगा, कर्नाटक का नतीजा इनकी इज्जत बढ़ा देगा, कर्नाटक का नतीजा इनकी भूमिका बढ़ा देगा, कर्नाटक का नतीजा इनकी संभावनाएं बढ़ा देगा। क्या कहते हैं राजकुमार जी, अच्छे दिन आने वाले हैं इन नेताओं के? दोनों दलों के लिए जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि हिमाचल में कांग्रेस अगर जीती तो बड़ा कारण यह था कि एकजुट होकर लड़ी जी। कर्नाटक में अगर जीतते हुए नजर आ रही है तो एक बड़ा कारण है कि आप तमाम अंतर विरोधों को दबा के छुपा के या समाधान करके एकजुट होकर लड़ पाए जी। इसीलिए अगर राजस्थान में कांग्रेस को सरकार बचाए रखनी है, बेहतर प्रदर्शन करना है तो सचिन पायलट की नाराजगी का समाधान करना होगा। सचिन पायलट में चुनाव जिताने की क्षमता हो या ना हो, अरे राजकुमार जी मसला इतना आसान थोड़ी है, काहे की नाराजगी है? नाराजगी इसी बात की तो है कि तुम मुख्यमंत्री क्यों हो, मुझे मुख्यमंत्री होना है। सिंहदेव जी की नाराजगी क्या है, भूपेश जी आप कब तक मुख्यमंत्री रहोगे, मुझे मुख्यमंत्री होना है। अब ऐसी नाराजगी का क्या समाधान, क्या चाहते हैं आप? अशोक गहलोत कुर्सी खाली कर दे सचिन पायलट के लिए, भूपेश जी कुर्सी छोड़ दे सिंहदेव जी के लिए, इस समाधान की उम्मीद कर रहे हैं आप? सियासी लोगों से आप तपस्वियों के आचरण की उम्मीद क्यों करना चाहते हैं राजकुमार जी? नहीं, मैं दूसरी उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कर्नाटक में सरकार बन गई कांग्रेस जी, तो कांग्रेस का जो असली आलाकमान है जी, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि वो राज्यों के क्षेत्रफलों को दोबारा डिक्टेट करने की स्थिति में आ जाएगा, जो नहीं रह गया था। आपने राजस्थान का प्रकरण देखा, अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ना है और उनकी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो वो स्थितियां नहीं रह जाएंगी। और जहां तक समस्याओं की बात कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं ना कहीं आला कमान ने ही वायदा किया था सिंहदेव से और सचिन पायलट से, तो कहीं ना कहीं कोई सामंजस्य जरूर निकालना पड़ेगा। चाहे आप उनको संगठन में सम्मानजनक स्थान दें, उनके समर्थकों को टिकट देने का कोई रास्ता निकालें, लेकिन डिवाइडेड कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। और जब तक भाजपा अपने नाराज क्षत्रपों को बना के मुख्य धारा में नहीं लाएगी, भाजपा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद